दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद भाजपा में आने पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को शर्म नहीं आती, सभी को बिकाऊ कहते हैं। क्या जिन्होंने अब तक कांग्रेस छोड़ी है वे सब बिकाऊ थे? उन्होंने कहा, क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी कांग्रेस चलाते हैं, यहाँ की कांग्रेस कमलनाथ की कांग्रेस है। ये तो राहुल गांधी की बात नहीं मानते, वे कहते हैं राहुल ना समझ है। राहुल गांधी के द्वारा माफी मांगने की बात पर कमलनाथ उनकी बात नहीं सुनते। खरीद फरोख्त वाले बयान को लेकर शिवराज ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस के लोग जो वर्षों तक कांग्रेस के साथ थे वे सब बिकाऊ हैं? क्या दिग्विजय सिंह के भाई जो भाजपा में थे वे बिकाऊ हैं? उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, विकास के कार्य ठप कर दिए थे, भाई भतीजावाद चलाया, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कुछ नहीं किया गया, जन कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी। शिवराज ने कहा, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, दूसरों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के नेताओं को ये कहते हुए शर्म नहीं आती, क्या पूरी कांग्रेस बिकाऊ है? इतने वर्षों तक जो आपके साथ रहे, आपके साथ काम किया, आपने टिकट दिया और आज आप सबको बिकाऊ कह रहे हैं। सच बात यह है कि आपने जब सरकार थी तो दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, आपने पूरे प्रदेश को बेच दिया था, वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया था, विकास के काम ठप्प कर दिए थे, भाई भतीजा बात चलाया था, फैसले योग्यता के आधार पर नहीं किए थे, जन कल्याणकारी योजना बंद कर दी थी, लोगों का निकलना दूभर हो गया था। लेकिन अब कौन सी कांग्रेस की बात करूं मैं? अब यहां की कांग्रेस तो कमलनाथ कांग्रेस है, दिल्ली में राहुल कांग्रेस है। हालत यह हो गई कि अगर राहुल जी सलाह देते कि माफी मांगो तो यहां से कहा जाता मैं नहीं मांगूंगा, राहुल को किसी ने समझा दिया होगा, मतलब राहुल ना समझ है। हर किसी को बिकाऊ कहते हैं, अब कांग्रेस में टिकाऊ लायक कुछ बचा ही नहीं है भाई। आत्मचिंतन करो, गाली देने से काम नहीं चलेगा, जिसको चाहो कह दो बिकाऊ। कितने लोगों ने पहले भी कांग्रेस छोड़ी, क्या सब बिकाऊ थे? दिग्विजय जी के परिवार से भी भारतीय जनता पार्टी में लोग आए थे, क्या वो भी बिकाऊ थे? ये बिकाऊ क्या कि अपमान मत करो किसी का, बेचा आपने प्रदेश को था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।